हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के जो मैथ का चैप्टर है 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, इसे पढ़ने के क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है और इज 154 मीटर, उसका जो पैरामीटर 154 है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, उसकी जो लेंथ है 2 मीटर ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी जो चौड़ाई है ब्रेथ उससे 2 मीटर ज्यादा है, वॉट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, तो इस पूल की जो स्विमिंग पूल है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी। तो समझेंगे, देखो हमने यहाँ पे बना रखा है एक स्विमिंग पूल रेक्टेंगल टाइप का होता है, तो इसकी लेंथ ही हो जाएगी और ब्रेथ ये हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, पैरामीटर ऑफ द स्विमिंग पूल इज कितना गिवन हमको, 154 मीटर गिवन है, और इसकी जो ब्रेथ होती है वो हमने बी लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो लेंथ है वो क्या है हमारी, ब्रेथ की डबल, मतलब 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ एंड 2 मीटर ज्यादा है तो प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया हमारी लेंथ। अब सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का पेरीमीटर किसके बराबर होगा, एक रेक्टेंगल के बराबर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी, लेंथ प्लस का ब्रेथ। तो गिवन कितना हमारा रेक्टेंगल का स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है कितना है, 154 गिवन है, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 का 2, और इसकी जो लेंथ है देखो लेंथ कितनी है 2b प्लस का 2, तो 2b प्लस का 2 हमारी लेंथ हो गई, और ब्रेथ, ब्रेथ कितनी हमारी, ब्रेथ हमारे को गिवन है b, तो हमने b लिख दिया। अब एज इट इज हमने 154 लिख दिया जो पैरामीटर है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखो 2b प्लस का b, 2b और b कितना हो जाएगा 3b, और प्लस का 2 हमारे पास लिखा हुआ है। फिर आगे क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में 2 है इसको देखो, हमको इसमें एक बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो मल्टीप्लाई में 2 है उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ, तो मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 154 डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 154 डिवाइड में 2, तो देखो 2 से कट करेंगे 2 1 2 और 2 7 14 बचेगा 1, और फिर से 2 7 14, तो 77 टाइम कट गया, तो 77 हमने यहाँ पे लिखा है, तो 3b प्लस 2 है, और यहाँ पे क्या करेंगे 3b को तो रहने देंगे एक तरफ और प्लस के 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे ये दूसरी तरफ आगे प्लस का दूसरी तरफ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से 2 बन जाएगा, तो 77 में से 2 को माइनस करेंगे 75 बचेगा, और इधर हमारे पास जो 3b है एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई वी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी बी की, तो बी को तो एजिटी रख दिया और मल्टीप्लाई का जो 3 है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 75 के अपॉन में आ जाएगा, 75 अपॉन 3 इसके डिवाइड में आएगा, इससे हम इसको कट करेंगे तो 3 1 3 और 3 2 6 बचेगा कितना 1 और 3 5 15, मतलब 25 टाइम इसको कट कर दिया, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 25। अब देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, लेंथ कितनी है 2b प्लस का 2, तो हमको इक्वेशन 1 के थ्रू क्या करना, बी की वैल्यू को रख देना किसमें, इसमें रख देना है 2b प्लस का 2, तो 2 और b की वैल्यू हो गई 25 प्लस का 2, तो देखेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 25 2 50, और प्लस का 2 हमारे पास लिखा हुआ है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 52, तो हमारे पास देखो ब्रेथ भी आ चुकी है और लेंथ भी आ चुकी है जो हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।